दोस्तों, रणवीर कपूर की अपकमिंग फिल्म एनिमल मूवी का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से सोशल मीडिया के ऊपर कई सारी फैन थ्योरीज एनिमल मूवी को लेकर घूम रही है और बहुत सारे लोगों ने एनिमल मूवी को लेकर अलग अलग कहानी बताई है कि आखिर हमें संदीप रेड्डी वांगा एनिमल मूवी के अंदर क्या दिखा सकते हैं और एनिमल मूवी किस टॉपिक के ऊपर बनाई जाएगी, बॉबी दल का कैसा किरदार होने वाला है, अनिल कपूर एनिमल मूवी के अंदर कैसे कैरेक्टर होने वाले हैं और रणवीर कपूर का अपने बाप के लिए प्यार एनिमल मूवी के अंदर क्या करने वाला है। तो चलिए इंटरनेट की कुछ एनिमल फैन की थ्योरीज के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि एनिमल मूवी की कहानी क्या होने वाली है। तो दोस्तों, बात करें अगर इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो आपको बता दें, इस फिल्म में अनिल कपूर का नाम बलवीर सिंह होता है जो कि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, लेकिन उसके बेटे अर्जुन को यानी रणवीर कपूर को अपने पिता के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और अर्जुन यानी रणवीर कपूर को अपने स्कूल कॉलेज में कहीं पर भी क्राइम होता हुआ दिखता है तो वह उनसे लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन बलवीर सिंह अपने बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी होता है कि वो अपने बेटे पर ध्यान ही नहीं दे पाता। लेकिन अगर बलवीर सिंह को अपने बेटे की लड़ाइयों के बारे में पता भी चलता है तो वो उसे ही मारता है। पर जब अर्जुन सिंह बड़ा होता है तो उसे एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम है गीतांजलि, जिसका किरदार निभा रही है रश्मिका मंदाना। और वहीं बात करें फिल्म के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कैरेक्टर यानी विलन के बारे में, तो आपको बता दें इस फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे हैं बॉबी देओल, जो कि फिल्म में गैंगस्टर के तौर पर नजर आएंगे और यह गैंगस्टर बलवीर सिंह के बिजनेस में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से अर्जुन को भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देगी और इसी वजह से वो अपना पूरा लुक चेंज कर लेता है और बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाता है और वो एक एक करके सभी गैंगस्टर्स के प्लान्स को फेल करने की कोशिश करता है और उन्हें मारने लगता है। और जब रणवीर कपूर इस गैंगस्टर यानी कि बॉबी देओल के पास लड़ाई करने के लिए जाता है और इन दोनों की फाइटिंग भी दिखाई जाती है, जहां ये देखना बाकी रहता है कि आखिर बॉबी देओल और रणवीर कपूर में से कौन मरता है। तो क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है इस फाइटिंग सीन में रणवीर कपूर और बॉबी देओल में से कौन मरेगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कमेंट करें और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।